Good morning, everybody. Students, today we are going to start the another lesson of our snapshot book, Albert Einstein at School, written by famous biographer Patrick Pringle. Okay? तो बच्चों आज हम लोग जो नेक्स्ट स्टोरी करने जा रहे हैं अपनी स्नैपशॉट बुक की उनका उसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन. ही इज़ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट आफ्टर न्यूटन. न्यूटन एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के ज्ञाता थे. उनके बाद दुनिया में अगर फिजिक्स की दुनिया में कोई सबसे बड़ा नाम आता है तो वह अल्बर्ट आइंस्टीन. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ द अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज एट हिज स्कूलिंग. जब अपने स्कूल में थे तो अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे थे, क्या वो इतने ही बड़े विद्वान थे, इतने ही बड़े स्कॉलर थे, या फिर वो एक आम बच्चे की तरह थे. वी विल कम टू नो अबाउट द अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूलिंग इन दिस लेसन. एज यू नो दिस लेसन इज रिटन बाय द फेमस बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल. ओके, तो जरा हम इसको देखते हैं क्या लिखा है. अल्बर्ट आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन. यानी कि न्यूटन के बाद ये सबसे बड़े फिजिक्स के जो साइंटिस्ट माने जाते हैं. इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द यंग आइंस्टीन द वेल नोन बायोग्राफर पैट्रिक प्रिंगल डिस्क्राइब्स द सर्कमस्टेंसेज विच लेड टू अल्बर्ट आइंस्टीन्स एक्सपल्शन फ्रॉम द जर्मन स्कूल. तो ये जो कहानी है ये ली गई है पैट्रिक प्रिंगल के द यंग आइंस्टीन नाम की एक बुक से, जो कि पैट्रिक प्रिंगल एक बहुत बड़े बायोग्राफर माने जाते हैं. उन्होंने ऐसी सर्कमस्टेंसेज, ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया है जिनकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे आदमी को, जो बाद में इतने बड़े साइंटिस्ट बने, उनको स्कूल से निकाल दिया गया, एक जर्मन स्कूल से उनको निकाल दिया गया. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं द स्टोरी अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल. इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. तो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने स्कूल की क्लास में बैठे हैं, हिस्ट्री की उनकी क्लास चल रही है और हिस्ट्री के टीचर उनसे पूछते हैं कि आइंस्टीन ये बताओ किस साल, यानी कि कौन से साल में प्रूशियंस डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. वाटरलू का एक बहुत बड़ा वॉर माना जाता है, वाटरलू नाम की एक जगह पे, जहाँ पे प्रूशियन यानी कि जो जर्मन आर्मी कही जाती है, उसने फ्रांस के लोगों को हराया था, फ्रांस की आर्मी को हराया था. तो हिस्ट्री के टीचर आइंस्टीन से ये पूछते हैं कि आइंस्टीन ये बताओ कि प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के मैदान पर कब हराया था, कौन से ईयर में हराया था. द आंसर कम्स, आई डोंट नो सर. व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. आइंस्टीन ने कहा सर मुझे नहीं पता. तो टीचर नाराज होकर बोलते हैं तुम्हें क्यों नहीं पता, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुम्हें तो कई बार ये चीज़ बताई जा चुकी है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन. तो वो कहते हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुम्हें तो ये कितनी बार बताया जा चुका है क्लास में कि किस साल वो वॉर हुआ था प्रूशियन और फ्रेंच के बीच में. तो वो कहते हैं कि आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. आइंस्टीन कहते हैं कि सॉरी सर मैं भूल गया हूँगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन, यहाँ पे उनके टीचर का नाम आ रहा है, मिस्टर ब्राउन उनके टीचर हैं. तो वो पूछते हैं आइंस्टीन से कि क्या कभी तुमने लर्न करने की कोशिश भी की. नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. और एक बड़ा अजीब सा आंसर, जब टीचर पूछता है कि तुमने कभी पढ़ने की कोशिश की, तो बच्चे जनरली कभी कभार झूठ भी बोल देते हैं कि हाँ सर हमने पढ़ने की कोशिश की. लेकिन यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो साफ साफ मना करते हैं, नहीं सर, नो सर, मैंने नहीं की. और अपने बड़े ही यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, यानी कि एक यूजुअली चीज़ नहीं देखी जाती इस तरह के बच्चों में कि अपने टीचर्स को ऐसे जवाब दें, लेकिन एक बड़ी ही ऑनेस्टी के साथ वो साफ मना कर देते हैं कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कभी कोशिश भी नहीं की लर्न करने की. तो टीचर पूछते हैं व्हाई नॉट, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम इनटू द बुक, इनटू अप इन अ बुक. तो वो कहते हैं क्यों नहीं पढ़ने की कोशिश की. तो आइंस्टीन उसे बताते हैं कि मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं लगा डेट्स को लर्न करने के लिए, जो डेट्स हैं किस डेट को प्रूशियन ने फ्रेंच को हराया, ये डेट लर्न करने के लिए मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि वो कोई बहुत खास पॉइंट है, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा. ये चीज़ तो बुक में लिखी है, ये कभी भी देखी जा सकती हैं. अब ऐसा जवाब वो अपने टीचर को देते हैं. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट. मिस्टर ब्राउन जो थे वो स्पीचलेस हो गए, वो चुप हो गए बिल्कुल ऐसी कुछ समय के लिए कि यार किस तरह के जवाब दे रहा है. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द बुक दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. तो आइंस्टीन से कहते हैं आइंस्टीन तुमने
मुझे अमेज कर दिया, बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, ये कैसा जवाब है? डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द बुक? वो कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है क्या कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सब पहले से ही बुक्स में लिखी हैं? तो इसका मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि बुक में सारी चीज़ें लिखी होती हैं, इसका मतलब आप उसको पढ़ोगी नहीं? दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. वो कह रहे हैं कि इसका मतलब तो स्कूल में जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं वो सब बुक में लिखी हैं. तो आइंस्टीन जवाब देते हैं, हाँ सर लिखी हैं. देन सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स? फ्रेंकली सर आई डोंट. तो कह रहे हैं इसका मतलब तो इसको जितने भी सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो हम स्कूल में सीखते हैं, जितने भी फैक्ट्स हम सीखते हैं, तो इसका तुम्हारे हिसाब से तो इसका मतलब उनको भी पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो बुक में लिखे हैं. फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल? वो कह रहा हाँ सर मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें ये सारे फैक्ट जो बुक में लिखे हैं वो पढ़ने की ज़रूरत है, वो तो वहाँ लिखे ही हैं, पढ़ना क्यों है उनको? तो टीचर थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब तुम्हें पूरी एजुकेशन पे ही भरोसा नहीं है, पूरे एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा नहीं है. ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट इज़ एजुकेशन. वो कहता है नहीं नहीं सर एजुकेशन पे है मुझे भरोसा, लेकिन मुझे लगता है कि फैक्ट को लर्न करना, जो भी फैक्ट बुक में लिखे रहते हैं, जितने भी आंकड़े या जितने भी डेट्स वगैरह लिखी रहती हैं बुक में, उसको पढ़ने का मतलब एजुकेशन नहीं है. अब यहाँ पे देखिए आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें पूरी एजुकेशन सिस्टम पे ही भरोसा नहीं है? तो कहता है नहीं नहीं सर एजुकेशन पे भरोसा है, लेकिन डेट्स को लर्न करना मेरे हिसाब से एजुकेशन तो है ही नहीं. एजुकेशन नहीं है डेट्स लर्न करना, कुछ और है एजुकेशन. तो आप देखिए इस तरह के रिप्लाइज जब किसी टीचर को मिलते हैं तो बच्चे से वो थोड़ा नाराज तो होता ही है. इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थियोरी ऑफ एजुकेशन. तो टीचर थोड़ा नाराज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आइंस्टीन सरकेज़म, सरकेज़म मतलब होता है ताना मारना. आप जानते हैं किसी को ताना मारना, कमेंट मारना, तो कमेंट मारने, ताने मारने के अंदाज से वो कहते हैं कि आइंस्टीन बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपकी, आप पूरी क्लास के आगे बताएं कि आप तो कह रहे हैं कि पढ़ाई करना, जो फैक्ट याद करना है वो एजुकेशन है ही नहीं, तो आप बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, आप क्लास के आगे दुनिया आके सबको ये बताएं कि एजुकेशन फिर है क्या. ठीक है. अल्बर्ट फ्लज्ड, फ्लज्ड मीन्स होता है थोड़ा सा शर्मा जाना, थोड़ा घबरा जाना, मूल चेहरा लाल हो जाना. तो अल्बर्ट थोड़ा सा घबरा गया कि यार टीचर तो मुझे सामने बुलाने लग गए ये पूछने के लिए कि भाई एजुकेशन क्या है, तुम ही बता दो. अब वो, लेकिन ये ऐसा बच्चा है ये आगे आ भी जाता है बताने. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड. आई डोंट सी द पॉइंट ऑफ लर्निंग द डेट ऑफ बैटल और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन. आई वुड मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर. तो यहाँ पे आइंस्टीन आगे आते हैं और आके एक बड़ा अजीब सा, बड़ा सरप्राइजिंग जवाब देते हैं. वो कहते हैं कि सर फैक्ट्स को लर्न करना मेरे हिसाब से एजुकेशन है ही नहीं. आई डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स. मुझे कोई फ़ायदा नहीं लगता कि आप लड़ाई किस सन में हुई है, किस डेट को हुई है, उसको हम याद करें, और ना ही मुझे ये याद करने में कोई फ़ायदा लगता है कि कौन सी आर्मी ने कितने ज़्यादा आदमी मारे. ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं ही नहीं. आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग Why those soldiers were trying to kill each other? मैं तो ये पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा, या मुझे इस बात में ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में जब मैं ये पढ़ूँ कि आखिर सैनिक एक दूसरे की आर्मी को मार क्यों रहे थे, क्यों मार रहे थे एक दूसरे को, उसका कारण जानने के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा. देखिए बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है, जो आज भी पुराना एजुकेशन सिस्टम हमारा चला आ रहा है जिसमें सिर्फ डेट लर्न कराई जाती है कि जैसे अकबर कब पैदा हुआ और वो उसने कब लड़ाई करी, ये सब चीज़ें ये कराई जाती है, जो कि बहुत लंबे अगर एस्पेक्ट से देखें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि डेट्स को बार बार लर्न करना ये कोई बहुत बड़ा एक स्किल डेवलपमेंट नहीं है. तो यही बात पे वो जोर दे रहे हैं आइंस्टीन कि कौन किसने किसके कितने आदमी मारे, कोई लड़ाई कब हुई, ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि लड़ाई आखिर हो क्यों रही थी, क्यों एक दूसरे को मारा जा रहा था. अब उनका कहने का मतलब यही था, अगर लड़ाइयों के रीजंस को पता कर लिया जाए तो आगे भविष्य में लड़ाइयों को रोका जा सकता है, उसके रीजन को सॉर्ट आउट करके, उनके कारणों को सॉल्व करके. अब लेकिन टीचर जो है वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं कि यार इस तरह के जवाब मुझे दे रहा है. दैट्स इनफ मिस्टर ब्राउन, आईज वर कोल्ड एंड क्रूएल. वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन. यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड. इट won't do the school any good either. You are disgrace.
आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। अब उसका ये जवाब सुन करके मिस्टर ब्राउन जो है वो भड़क जाते हैं और बड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आइंस्टीन, हम तुम्हारा यहाँ पर भाषण सुनने नहीं खड़े हैं, और तुम्हारी इस बदतमीजी के लिए आज तुम्हें एक और एक्स्ट्रा पीरियड स्कूल में रुकने की सज़ा दी जाती है। लेकिन सही टीचर ये भी कहते हैं कि लेकिन सही बात बताऊं तो एक एक्स्ट्रा पीरियड भी रुकना तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि तुम तो कुछ सीखना ही नहीं चाहते स्कूल में आके, और ना ही स्कूल के लिए तुम्हारा रहना यहाँ कोई फ़ायदेमंद है। तुम जैसा बंदा अगर स्कूल में रहे तो स्कूल का भी नुकसान है। यू आर अ डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है जिसको शर्म नहीं है, जिसको अपना अपनी अपने अंदर कोई शर्म महसूस नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि यू आर डिसग्रेस, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आता कि तुम स्कूल आते क्यों हो जब तुम्हें पढ़ना नहीं। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट, एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट वेरी सून। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।